पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में बढ़ती महंगाई पर जनता में गुस्सा सातवें आसमान पर है। वहां हिंसक प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने पीओके को तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है। स्थानीय सरकार ने भी बिजली दरों और ब्रेड के दामों में कटौती का ऐलान कर दिया है। फिलहाल पीओके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। शुक्रवार से इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। सोमवार को चौथे दिन भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई, झड़प हुई। मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। इनमें 2 प्रदर्शनकारी और 1 एसआई शामिल है। आपको बता दें कि रविवार को झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दरअसल पिछले 4 दिन से जरूरी चीजों के दाम बढ़ने और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पीओके में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों और वकीलों द्वारा गठित संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च करने का आह्वान किया था। सोमवार को भी लाखों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की और लॉन्ग मार्च किया। पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रविवार को भीड़ में किसी ने पुलिस के एसआई अदनान कुरैशी को गोली मार दी। झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। अब तक 2 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई है। चौथे दिन भी पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर रखी हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों को शांत रहने के लिए पाकिस्तान सरकार ने तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट आवंटित किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी विरोध प्रदर्शन के बाद एक्टिव हुए और हालात के बारे में चिंता जताई। उन्होंने सोमवार को प्रदर्शनकारियों और स्थानीय सरकार से बातचीत के बाद पीओके को तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अप्रत्याशित विरोध और इसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी नवारुल हक, स्थानीय मंत्री और टॉप लीडरशिप शामिल रहे। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री शरीफ ने पीओके के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 23 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी है। बैठक में मंत्रियों और गठबंधन दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। पीएमओ ने कहा कि कश्मीर के नेताओं और बैठक में शामिल लोगों ने शहबाज के फैसले की सराहना की। इधर शहबाज शरीफ के साथ बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद पीओके के प्रधानमंत्री हक ने बिजली दरों में कटौती की घोषणा की। हक ने कहा कि स्थानीय निवासियों को पिछले कुछ दिनों से सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी सुलभ बिजली और सस्ता आटे की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने ब्रेड की कीमतों में भी कटौती की घोषणा की है।